नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डोनेट म्यूजिक में, जहां मिलता है आपको ज्ञान ही ज्ञान और मुझे मिलता है आपका प्यार और सम्मान। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक और प्यारा सा गीत, बहुत सुंदर सा क्लासिकल बेस्ड गाना लेके आया हूं, जो मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप सबको इसका इंतज़ार भी होगा शायद। ये गाना है सुनो सजना पपीहे ने, फिल्म आए दिन बहार के, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद मुखी साहब। ये राग नंद पे आधारित है ये गाना, और इसमें आपको कुछ बिहाग का भी अंश मिलेगा, क्योंकि नंद राग ऐसा ही है कि बिहाग, कामोद, हमीर, इन सब का मिक्सचर आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें ताल कहरवा का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं अद्धा का प्रयोग हुआ, अद्धा, ठीक है, वो आप डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं अभी आपको गाना सिखाता हूँ, सुनो सजना पपीहे ने। स्केल मैंने इसका रखा है डी स्केल, डी यानी कि दूसरी सफेद से मैं इसको सिखा रहा हूँ, और इसमें जो नोट्स लगते हैं, रूट जो है इसके, सारे स्वर शुद्ध हैं, म जो है वो शुद्ध और तीव्र दोनों का प्रयोग हुआ है इसमें, और कहीं कहीं इसमें कोमलनी का भी प्रयोग हुआ है, कोमलनी और शुद्धनी दोनों का प्रयोग। तो आइए चलते हैं मुखड़े पे। सबसे पहले इसमें एक अलाप आता है, बहुत प्यारा अलाप है ये, तो पहले मैं उसका नोटेशन आपको समझा देता हूं। अलाप शुरू होता है सा से, ता सप्तक की सा से, सा ये सा, सा तीव्र पे जाके खड़ा होते हैं, तीव्र मा पे। दूसरी लाइन रे मा पनी द परे मारे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अलाप ही इस गाने का एक तरह से कहें जान है, शुरू का अलाप। और काफी श्रोताओं ने मुझे लिखा है कि अलाप सर इसका जरूर बताइएगा, तो आप अलाप फिर से ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे समझाता हूं मैं। दोस्तों, वीडियो चाहे भले थोड़ी लंबी हो जाए, बट मेरा मानना है कि आपको मैं डिटेल में समझाऊं, थोड़ा डिटेल समय, तो ऐसे मैं कितना समय देता हूँ इसके पीछे, अगर आप इसके पीछे 10 मिनट या 15 मिनट भी दें तो क्या जाता है। देखिए सा, इसमें थोड़ा सा मुर्की आप लेंगे, सा नी प ग रे तीव्र म, ठीक है। मैं स्लोली स्लोली समझाता हूं, आप फिर फास्ट में गाएंगे इसमें, आ ये साफ है, लंबा रुकेंगे पहले, आ लगभग 4 बीट तक, आ खड़ा कहां पे, तीव्र मा पे। फिर दूसरा पोर्शन क्या है, रे से, रे मा पनी द परे मारे, यहां तक खत्म होता है, रे मा तीव्र मा लगा क्या, रे मा पनी द परे मारे आ, थर्ड पोर्शन सा आ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हाँ, अब बढ़ते हैं मुखड़े पे। मुखड़ा शुरू होता है सा से, सा
सुनो सजना। मैं मुखड़ा का फटाफट एक बार आपको स्वरलिपि बता देता हूँ, मैं लिख भी दूंगा, लिख के मैं आपको वीडियो पे रहेगा लिखा हुआ, बट एक बार आप समझ लीजिए पहले। सुनो सजना, लाइन बाय लाइन, सा पा मा मा पा, पपी है ने प प सा द प म प म ग प सा, ठीक है। फिर दोबारा, लेकिन दोबारा सा पे नहीं टिकेगा, ग पे रुकेगा। सुनो सजना, सा प म म प, पपी है ने प प सा द प म प म ग प ग, ओके। उसके बाद कहा कहा सबसे गमारे सासानी, पुकार के, पुकार के कैसे, पनी सनी धनी द प पुकार के, ओके। फिर है संभल जाओ सा पा पा मा मा पा, चमन चमन वालो प प सा द प म प म ग प सा। फिर रिपीट, संभल जाओ सा प प म म प, चमन वालो प प सा द प म प म ग प ग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, के आए दिन गगमर सासानी, बहार के पनी निसर सदप, सुनो सजना, ये कैसे हुआ, सा पा मा मा पा धनी, सुनो सजना द प म प ग प प प, ठीक है। अभी मैं स्पीडली आपको ये समझा दिया, ये आप कॉपी कर लीजिए। अब मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लाइन, सुनो सजना सा पा मा मा पा, थोड़ा गायकी भी समझिएगा। सुनो, ये सुनो सज सजना सजना, ठीक है। सा पा मा 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 मा, ये मा में थोड़ा खटका है। सा पा मा मा पा, नेक्स्ट लाइन, पपी है ने प प सा द प म प म ग प सा। यहाँ पे जो तीव्र मा है, एक देखिए प म प, ये तीव्र मा है, मा शुद्ध मा है, तो कैसे हुआ, प प सा द प म प म ग प सा, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट होता है, लेकिन वो ग पे टिकता है। सुनो सजना पपी है ने ने पग, यहां रखता है, बाकी नोटेशन सेम है। सा पा मा मा पा, पा सा द पा मा पा मा ग पा ग, ठीक है। फिर है कहा सबसे कैसे गगा मारे सासानी, कहा 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 सबसे गगा मारे सासानी, मंदिर नहीं है, शुद्ध नहीं। उसके बाद पुकार के देखिए कैसे, पुकार, ये जो का है वो नी पे रुका है, पनी पुकार पनी सा
पुकार ओके के के निदा निदा पा के ट्राई कीजिएगा के ये पे यहाँ खटका लगा है के पुकार पुकार के ठीक है। इसके बाद की लाइन भी सेम है, वर्ड अलग है। संभल संभल जाओ सा पा पा मा मा पा ये तीव्र मा सेम नोटेशन है। संभल जाओ ओके सा पा पा मा मा पा आप साथ में बजा भी सकते हैं। चमन चमन ये जो सा पे खींच के लाते हैं ना को चमन पापा साधा ओके चमन वालो फिर सा पे लिया है चमन वालो पापा साधा पामा पामा ग पासा ठीक है। फिर से यही लाइन रिपीट होती है संभल जाओ लेकिन उसको ग पे छोड़ेंगे हम दोबारा। संभल जाओ चमन वालो ओ एक ग पे छोड़ा सा पा पा मा मा पा 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 सा दा पा मा पा मा ग पा ग ओके सा पा पा मा मा पा 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 सा दा पा मा पा मा ग पा ग ओके। अब आगे बढ़ते हैं के आ ए दिन ये लाइन और पहले जो सिखाया लाइन वो सेम है। देखिए कहा सबसे वो सेम कैसे कैसा अभी जो गाऊंगा मैं के आ ए दिन है ना गगा मारे सासा नी शुद्ध नी मंत्र वाली। अभी बाहर के थोड़ा अलग है जैसे उसने था पुकार के सेम उसके जैसा ही है बट थोड़ा सा नोटेशन चेंज है। बाहर के कैच कीजिएगा इसको हाँ बहुत प्यारी लाइन है ये बाहर के पनी सारे सदा है ना। पहले कैसा था पुकार के पहले था पुकार के सा तक ही गया था अब लेकिन रे तक जाएगा। बाहर के पनी निसारे साधा पा है ना तार से तक के रे तक गया अभी। फिर कंक्लूजन है सुनो सजना सुनो सजना यहाँ पे नाम है कोमली लगा दे क्या देखिए यहाँ ना पे कोमली का प्रयोग किया देखिए सुनो सजना ये कोमली सा पा मा मा पा धनी सुनो द प म प ग सुनो द प म प ग ओके ध्यान रखिएगा सुनो सजना पा 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 तो पा पे गाना खत्म करते हैं है ना। फिर से एक बार मैं गा देता हूँ उसको क्योंकि ये बहुत प्यारी लाइन है हरकत में देखिए कितनी अच्छी है। सुनो सजना सुनो ये जो सुनो पकड़ना है नी के बाद कोमली के बाद शुद्ध धा से करना है आपको तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शायद आपको। सुनो सजना सुनो सजना ये सुनाने का जो फील है ना वो आना चाहिए। सुनो सजना सुनो सजना ठीक है चलिए वेरी गुड। अब हम चलते हैं अंतरा के ऊपर।
तो पहले मैं अंतरा का आपको नोटेशन वाइज पहले समझा देता हूं, फिर मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। फूलों की डालियां भी ठीक है, नीनी सा सा प प म म ब ग म ग, यही गीत गा रही है। ये कैसे? यही गीत गा रही है। ये कैसे? नी नी सा सा प प द ब स द प म द प म ग। कैसे देखिए हरकत, प द प स द प म द प म ग। कैसे आगे? घड़िया मनी धा, यहाँ पे कोमल नी, पिया मिल के। ये बहुत कैची पार्ट है और डिफिकल्ट पार्ट है, तो देखिएगा। घड़िया पिया मिल की मनी धा कोमल नी, मनी धा नी द प म ग म प ध नि सा नि द प ठीक है। नजदीक, ये कैसे? नि नि सा आ रही है, आ प सा नि रे सा नि नि रे नि द प। नजदीक आ रही है, म प प रे प म ध प म म प ग ठीक है। फिर पहले जैसा ही है, हवाओं ने फिर सुनो सजना जैसा है नोटेशन ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए और अब मैं आपको सिखाता हूँ डिटेल में, स्लोली स्लोली सुनिए और गायकी भी सिखाऊंगा इसको, तो सिंगर्स को बहुत ही मदद मिलेगा। अंतरा शुरू होता है शुद्ध नी से, सरे ग म ध नी फूलों की सा सा, रुकेंगे साथ पे थोड़ा, फूलों की डालियां भी, ये भी में थोड़ा भी हरकत है, नी नी सा सा प प म म ब ग म ग। ओके दूसरा, यही गीत गा रही है। ये पोर्शन देखिएगा, हरकत जो यहाँ पे उसको गौर कीजिएगा, यही गीत सेम जगह से नी नी सा, अब ध्यान दीजिए, गा रही है। क्या है? सा प प ध प सा ध प म ध प म ग, ये एक साथ हरकत है, गा रही है ऐसा है, सा प प ध प सा ध प म ध प म ग, प ध प सा ध प म ध प म ग, ये नोटेशन है, ई है। ओके ही है यही गीत गा रही है। ये थोड़ा लयकारी है यहाँ पे, बट हरकत ये है, आप देखिए, यही गीत गा रही है, ऐसे चलता है, ही है। फिर अगली लाइन कैसे, देखिए कोमल नी का प्रयोग अगली में, घड़िया म, अब माँ से मनी धा, क्या है? घड़िया, यहाँ कोमल नी प्रयोग, घड़िया। ओके घड़िया ठीक है। अभी पिया मिलन
पिया कैसे है? पिया मिलन की देखिए घड़ियां पिया मिलन की ओके घड़ियां पानी दा पिया दादा अब मिलन में हरकत देखिए मिलन सीधा नी नी दा पमागा अब फिर गमा पद निसा गमा पद निसा नी दा प घड़िया पिया मिलन की ऐसे मतलब फास्ट में जाते हैं ना तो सुनिए आपको ऐसा लगेगा मिलन मिलन की मिलन की तो फास्ट में ऐसा सुनाई देगा आपको स्लो में मिलन की ओके इसका जो है बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको स्लो में पहले फिर फास्ट में मिलन मिलन की नी नी दा प म ग म प द नी सा नी नी दा प समझ गए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाँ समझिएगा और कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे एसएमएस कर सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेझिझक कभी भी मैं जवाब दे दूंगा उसका और चाहे तो आप फोन भी कर सकते हैं मुझे और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे या मेरे और भी कोई वीडियो अगर आपको अच्छा लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जा सके घड़िया पिया मिलन ओके अभी नज़दीक आ रही है नजदीक फिर शुद्धनी पे आते हैं नीनी सा नजदीक ये क्या है नीनी सा आ रही है ये है मैं भी हरकत देखिए सिंपल नहीं है यहाँ पे नीनी सा पसा नी रे सा नी नी दा ये क्या हुआ नजदीक आ रही है ध्यान से देखिए फिर से सिखाता हूं मैं आपको नजदीक आ जाए फिर पहले शुरू करेंगे नीनी सा हो गया नीनी सा नजदीक सापे खत्म किया आ कहां से होगा प से पसा नी रे सानी यहां तक आ हुआ ओके अब रही वहीं से रही है नी 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 रे नी दा प ओके अब आगे दूसरी बार नजदीक जो आती है वो अलग ढंग से है नजदीक ये तीव्र मा से होता है मा सारे गामा ओके नजदीक मामा पापा अभी आ रही जो है दूसरा आ वो रे से है पहले था प से किया था वो अलग था अब रे वाला आ रही है रे पा मा धा पा मा मा पा गामा गए तो अब समझे आप या इसको मैं फिर समझा दूं लो वाला ना ठीक है नजदीक ये तीव्र मा से मामा पापा आ आ ये रे से रे सारे रे से आ रही रे पा मा धा पा मा है मा पा गा मा गए ठीक है ना
आ रही है रे प म ध प म प ग म ग। ठीक है, अब उसके बाद की लाइन जैसे सुरु सदना की लाइन है, सेम नोटेशन है। तो अभी मैं दोनों दोनों लाइन आपको फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ नजदीक का, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, पहला नजदीक नी से नजदीक आ रही है, दूसरा नजदीक म से नजदीक आ रही है। ठीक है ना, नजदीक आ रही है मैं हरकत, फिर तीव्रमा नजदीक आ रही है, गापे लाके छोड़ दिया। तो अब आगे जैसे सुरों सजना था वैसे ही हवाओं ने सा पा म मा पा जो छेड़े हैं प प सा द प म प म ग प सा। ठीक है, अब सेकंड टाइम फिर ये लेंगे यही लाइन, लेकिन वो ग पे टिकेगा जैसे पहले टिकता था। सा प हवाओं ने जो छेड़े सा प म म प प सा द प म प म ग प ग। ओके, अब देखिए फसाने हैं ग ग म रे सा सा नी, जैसे था ना वो कहा सबसे मुखड़ा में था उसके जैसा ही है। फसाने हैं फसाने हैं, ओके वो प्यार के पनीसा निदा निदा पा, जैसे था मुखड़े में पुकार के, पुकार के है ना, पनीसा निदा निदा पा उसके जैसा ये लाइन है। वो प्यार के, ठीक है ना, आपको मैं सिमिलरिटी समझा रहा हूं कि ऐसा आप गा चुके हैं मुखड़ा में, है ना, कंफ्यूज मत होना। आपने फिर से मैं लाइन गाता हूं, हवाओं ने जो छेड़े हैं हवाओं ने, दो बार जो छेड़े हैं, ओके, फसाने हैं वो प्यार के, यहां तक बताता हूं आपको, सा पा म म प प सा द प म प म ग प सा, सा पा म म प प सा द प म प म ग प ग ग ग म रे सा सा नी पनी सा नी दा नी दा पा। ओके, अब फिर पहले मुखड़ा में मैंने जो बताया वही लाइन है। संभल संभल जाओ, पहले ही बताया मैंने, संभल जाओ चमन वालों, संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना सुनो सजना। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हो गया अंतरा वन। अब अंतरा टू भी सेम है, बिल्कुल सेम हरकत मुर्गी सब आपको एक ही है, सिर्फ शब्द अलग हो जाते हैं, तो आप वो कर लीजिएगा। पहला अंतरा अच्छे से समझ लीजिए तो दूसरा अंतरा आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों अब ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ, हो सकता है कि लंबा वीडियो थोड़ा हो जाए, बट पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको बहुत 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 लाभ होगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।